तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप वेट गेन करना चाहते हो या फिर बल्किंग और गेनिंग करना चाहते हो। जब भी बात आती है वेट बढ़ाने की तो उससे हमारा मतलब यही होना चाहिए कि हम बॉडी में मसल वेट गेन करें एंड नॉट जस्ट फैट। तो अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग और अगर आप लोग जिम जाते हो वहां पे अच्छे से हार्ड ट्रेनिंग करते हो एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं ऐसे 4 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ जिनसे आपको डेफिनेटली मसल पुट ऑन करने में हेल्प मिलेगी। बट बिफोर दैट मेक श्योर यू गाइस चेक मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की डीएम में हेल्प करूँ एंड मैं वहां पर रेगुलर फिजिक अपडेट्स डालता हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह मोटिवेट कर सकूं। अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, स्लो गेनिंग। अब देखो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी वेट पुट ऑन करने की बात आती है तो जो बिगेनर्स होते हैं उनको थोड़ा जल्दी होती है कि हमें थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी वेट गेन करना है। यस डेफिनेटली आपके पास वो ऑप्शन होता है कि आप लोग जल्दी जल्दी वेट गेन कर सकते हो बट आई वुड सजेस्ट कि वो चीज हेल्दी नहीं होती। मैंने अपने पास में जल्दी जल्दी वेट गेन करने के चक्कर में डर्टी बल्क भी किया है एंड ट्रस्ट मी बॉयज इट्स नॉट वर्थ इट। डेफिनेटली मैंने वो अप्रोच चेंज करी एंड लीन गेनिंग की तरफ प्रोसीड किया। ये चीज रियलाइज किया कि डर्टी बल्क वाला कॉन्सेप्ट इज नॉट वर्थ इट। हम जो खाना खाते हैं उसमें कैलोरीज होती है और हर इंसान को अपना बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज पूरे दिन में खानी होती है। तो सपोज करते हैं अगर मुझे अपना बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए 3000 कैलोरीज खानी है दिन में तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 3000 कैलोरीज ही खानी होंगी। आपको भी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है एंड इसको लेकर काफी ज्यादा डाउट रहता है। तो जो बिगिनर होता है वो और वीडियो ऐसी देख लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बताई होती है एंड स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा कैलकुलेशन में घुसने की वजह से वेट गेन का प्रोसेस अपने लिए वो मुश्किल बना देते हैं। तो शुरुआत करने के लिए सिंपल तरीके से आपके पास बस एक आइडिया होना चाहिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज का जो कि आपको मिल जाएगा। आपका बॉडी वेट केजीज में मल्टीप्लाई करेंगे आप 29 से, ये रहेगा आपका ऑप्शन 1 एंड देन ऑप्शन 2 की आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर एंड उसमें भी अगर आप अपने बॉडी के स्टैट्स और एक्टिविटी लेवल डालेंगे तो वो भी आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। तो अब मसल गेन या फिर वेट गेन करने के लिए हमें कैलोरी सरप्लस में खाना होता है यानी कि दिन में जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे हमें ज्यादा खाना है, उससे हमें ज्यादा कैलोरी इनटेक करनी है। तो जितना खाना हम यूजुअली खाते आ रहे थे अब हम उससे ज्यादा खाना खाएंगे। तो अब सपोज करते हैं कि आपने कैलकुलेट करके अपनी दिन की मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली एंड वो नंबर आया अप्रोक्सीमेटली 2500 के करीब। उसमें हम सरप्लस ऐड करेंगे 200 से 300 प्लस। तो सपोज अगर आपकी 2500 दिन की मेंटेनेंस कैलोरीज है तो आप ट्राई करोगे कि 2700 कैलोरीज आप इनटेक करो एंड उससे वेट अगर बहुत ही ज़्यादा धीरे गेन हो रहा है तो आप उसको 2800 भी कर सकते हो। इस तरह से आप धीरे धीरे जो है कैलोरी सरप्लस में जाएंगे। आपका जो डाइट प्लान होगा वो आपकी बॉडी के कैलोरीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको बनाना है। स्लो गेन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका क्वालिटी वेट पुट ऑन हो और आपकी बॉडी अच्छी शेप में जाए। तो अगर आप एक महीने में 2 kg वेट गेन भी करते हो तो वो भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। इस तरह से आप 6 मंथ्स में 12 kg वेट गेन करोगे डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत फैट होगा बट काफी मसल आप पुट ऑन कर चुके होगे। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट स्टाफ। अपने आप को हमें भूखा नहीं रखना है। वी हैव टू एंश्योर कि हम फ्रिक्वेंटली अपनी जो मील्स हैं वो खा रहे हैं। एक रफ एग्जांपल दे देता हूँ, दिन में अगर आप ट्राई करोगे कि हर 2 से 2.5 घंटे में अगर आप खाना खाओ तो ईजिली आपकी दिन में 5 solid meals हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको वेट पुट ऑन करने में हेल्प मिलेगी। अब मैं जानता हूँ कि स्टार्टिंग में इतना सारा खाना खाना थोड़ा मुश्किल होता है तो चॉइस हम कैसे करेंगे कि हम अब जो है कैलोरी डेंस फूड खाएंगे। इसीलिए अभी बात करते हैं अभी पॉइंट नंबर 3 की। अब देखो कैलोरी इनटेक करने का बात आता है तो बहुत लोग मैस गेनर के ऊपर भी जाते हैं बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग मैस गेनर खरीदो। उसके बजाय आप लोग प्रोटीन पाउडर्स खरीद सकते हो या फिर आप घर पे खुद ही एक स्मूदी बना सकते हो जो एक हाई इन कैलोरीज होती है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से आप एक कैलोरी डेंस शेक बना सकते हो। सबसे पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा बनाना और मैंने इसमें अभी बनाना ऐड कर दिया। इंग्रेडिएंट नंबर 2, मैं इसमें 1 glass दूध डाल रहा हूँ। तो सारा आइडिया ये है कि हमें जो शेक को है वो काफ़ी कैलोरी डेंस बनाना है। तो इसका एक प्राइम एग्जांपल है पीनट्स। जैसे जो पीनट्स होते हैं वो क्वांटिटी में कम होते हैं लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो हमारी फूड चॉइसेस जो है उसमें हम डेफिनेटली पीनट्स को ज़रूर ऐड करेंगे। तो इसका एक और अल्टरनेटिव है विच इज़ पीनट बटर। एंड पीनट बटर नॉर्मल मूंगफलियाँ खाने से तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी पिंटोला का नेचुरल पीनट बटर क्योंकि इसके 100 ग्राम सर्व में हमें अराउंड 30 grams ऑफ प्रोटीन मिल जाता है विद विटामिन ई, B3 एंड गुड फैट्स। से ऑल्सो हैव हाई प्रोटीन पीनट बटर जो कि 2 flavors में आता है, जैगरी एंड चॉकलेट। मैं भी इसका क्रंची पीनट बटर यूज कर रहा हूं एंड इट इज माय पर्सनल फेवरेट। तो जैसे मैंने अभी 1 big spoon ऑफ पिंटोला पीनट बटर यूज करा अपने शेक में, आप लोग भी इसे ट्राई जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। तो अपनी मील्स को ब्लेंड करके पीना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है जब हम स्टार्ट करते हैं। इससे हमें इजी कैलोरीज मिलती है। अब जैसे मैंने शेक बनाया था एक बार में मुझे इसमें 500-600 कैलोरीज मिल गई। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी डाइट में इस तरह का एक हाई कैलोरी शेक जरूर ऐड करो और उसमें पीनट बटर ऐड करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि उसी से हमारा जो शेक है वो काफ़ी कैलोरी डेंस बनेगा।
कार्डियो। यस, जब आप वेट गेन कर रहे हो, मसल गेन प्लान पे हो, तब भी आप लोगों को अपना कार्डियो परफॉर्म करना है। इसके बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बात करी है, दैट आई एम अ बिग बिग बिलीवर इन फास्टेड कार्डियो। सुबह खाली पेट कार्डियो करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको सिंपली अभी लेमैन लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि बल्किंग में हमें कैसे हेल्प करेगा। एक तो हमारी भूख बढ़ाएगा, यस इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है कार्डियो का हमारी भूख बढ़ाने में। सेकेंड, जो खाना हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन और भी ज्यादा इंप्रूव होएगा, एंड अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो डेफिनेटली हमारे शरीर को वो लगेगा एंड हम और अच्छी बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे। अब जनरली आपका जो कार्डियो सेशन है वो वेट ट्रेनिंग से अलग रखना, एंड हफ्ते में 3 से 4 बार सुबह 20 मिनट का कार्डियो से स्टार्ट करो। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, शायद आप साइकिलिंग पे जा सकते हो, मे बी आप वॉक कर सकते हो, एनी फॉर्म ऑफ कार्डियो। ऑलराइट गाइस, तो ये 4 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे गेनिंग एंड मसल पुट ऑन करने के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक, एंड अगर ये वीडियो अभी भी आप देख रहे हो तो आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। कीप वर्किंग हार्ड।